lecture revision exercise 8, question, take rope and all the three men as a system. कुछ ने इसको मंकी लिया हुआ, ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, बी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और जो सी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ए का जो मास एम ए है, बी का जो मास एम बी है, और जो सी है वो जो सी है वो सी का मास है। रोप जो है मासलेस है। फाइंड द टेंशन इन डी, टेंशन डी में कितना होगा ये निकालना है। आपने दोनों तरीकों से निकालना है, एज ए सिस्टम जिसमें सबका अलग एक्सेलरेशन अलग अलग है, और दूसरा इसका अलग से वेलोसिटी डायग्राम बनाना है, इसका अलग से बनाना है, इसका अलग से बनाना है, और रोप का अलग से बनाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक बिगर ब्लॉक दिया हुआ है, एक स्मॉलर ब्लॉक दिया हुआ है, और ये वॉल है। एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। आंसर देंगे तो इसी के अनुसार देंगे। इन द सिस्टम एम इज रिलीज्ड एज रेस्ट, इसको रेस्ट पे छोड़ा जाता है। हमें एक्सेलरेशन ऑफ एम, इसका भी एक्सेलरेशन बताना, इसका भी एक्सेलरेशन बताना। टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन एम और कैपिटल एम के बीच में बतानी है। इनके आंसर जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड, आर सरफेसेस आर स्मूथ, दो ब्लॉक दिए हुए, उनके बीच में एक स्प्रिंग है। ए का जो मास है 5 किलोग्राम है, बी का मास 10 किलोग्राम है। बी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर के एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। हमें एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर टूवर्ड्स लेफ्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, दो मैन है ए और बी। ए मैन जो है, मैन ए पुशेस द मैन बी विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए, ए जो है बी को पुश कर रहा है, जो बी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है। ए का एक्सेलरेशन बताना है। ए का जो मास है 40 किलोग्राम है, बी का मास जो है 32 किलोग्राम है। आंसर जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलर ब्लॉक का मास 20 किलोग्राम है, बीकर ब्लॉक का मास 40 किलोग्राम है, एफ की वैल्यू 200 न्यूटन है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ये भी। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम का एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, बीकर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ठीक है,